हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन पहाड़ी नौकरी। तो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार से पहाड़ी नौकरी पे। तो फ्रेंड हाजिर हूँ मैं एक नई वैकेंसी के साथ। आप देख सकते हैं अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी पियोन भर्ती को लेकर कहाँ पर, पंजाब नेशनल बैंक में। और ये ऑल ओवर उत्तराखंड की वैकेंसी है और किन किन डिस्ट्रिक्ट में निकली हुई है, कैसे भरना है फॉर्म, क्या है इसकी एज, कहाँ मिलेगा फॉर्म, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं मंडल कार्यालय काला डूंगी रोड ऊंचा पुल हल्द्वानी के अनुसार यहां पर इनका मेन एड्रेस है। अधीनस्थ संवर्ग चपरासी प्यून की जो भर्ती निकली है आप देख सकते हैं, ये इन्होंने कहा कि हल्द्वानी मंडल के सभी डिस्ट्रिक्ट में निकली हुई है। कहां पर आप देख सकते हैं, अल्मोड़ा में 4 पद, चंपावत में 1 पद, नैनीताल में सबसे ज्यादा 8 पद निकले हुए हैं, पिथौरागढ़ में 1, उधम सिंह नगर में 1 ये पद निकले हुए हैं। यानी कि टोटल मिला के आप देख सकते हैं 4, 1, 5, 5, 8, 13, 14, 15 यानी कि कुल मिला के 15 आउट्स ऑफ पद निकले हुए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं आयु की गणना 1/4/2020 को आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 24 वर्ष होना चाहिए। तो मैं यहां पर आपको ये बता दूं, इस आयु से रिलेटेड इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो शुद्धि पत्र चल रहा है उसमें जो मेन जो पॉइंट्स था वो ये था कि जो उस समय एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था उसमें इन्होंने जो एज थी, मैंने ऑलरेडी उसमें आपको बताई होगी कि यहां पर उन्होंने वो जो एज बताई थी वो 1/4/2020 को, ओके फ्रेंड्स, 1/4/2020 को 18 और मैक्सिमम जो है 24 हो जानी चाहिए उस कैलकुलेशन के अनुसार, उस विज्ञप्ति के अनुसार। अब जो है नई विज्ञप्ति में इन्होंने इसको बदल दिया है, सेम टू सेम इसको चेंज कर दिया है। यानी कि 1/1/2021 को आवेदक की जो न्यूनतम आयु है वो 18 और 24 वर्ष हो जाना चाहिए मैक्सिमम। भाई साहब, पहले तो उन्होंने एक वर्ष ऑलरेडी कम कर दिया था, चलो इन्होंने अपनी गलती सुधारी। अब यहां पर उन्होंने भर्ती को भी कैटेगराइज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में 4 जनरल, चंपावत में 1 OBC, नैनीताल में 4 जनरल, 3 SC, 1 EWS, पिथौरागढ़ में 1 ST, 1 OBC। तो ये रही सारी डिटेल्स। अब हम चलते हैं अपने मेन नोटिफिकेशंस पर। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने मेन नोटिफिकेशंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो आयोग जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जो इन्होंने शुद्धि कर दी है 1/4/2020 किया था वहाँ पर 21 कर दिया गया। तो अब यहाँ पर उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एज को लेकर यहाँ पर अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी SC ST OBC में जो भी है 3 साल की और उसमें 10 साल की विकलांगों को, ओके 5 साल में SC ST। उसके अलावा 1984 के दंगों को भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए अंग्रेजी, सभी हेतु अंग्रेजी के मूलभूत पठन लेखन के साथ साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, स्नातक उत्तर पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आपने स्नातक किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, केवल 12th पास वालों के लिए ये भर्ती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर जो है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी इसमें ऑलरेडी वैकेंसी ऑलरेडी वहां पर दे चुकी है। उसके अलावा नेक्स्ट में इन्होंने कहा है कि आवेदक उसी जिले का डोमेसाइल होना चाहिए जिसके लिए रिक्तियां अधिसूचित की गई। यानी कि ऑलरेडी मैं आपको पहले बता दूं, फिर कमेंट्स में आएगा कि मैं यहां से अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं, मैं वहां से अप्लाई नहीं कर सकता हूं। भैया जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी भर्ती निकली है उसी डिस्ट्रिक्ट का यहां पे आपको निवासी होना चाहिए। उसके अलावा आदिवासी प्रमाण पत्र के रूप में स्थायी निवास अथवा जिला रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको इंप्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन भी करना चाहिए। अब इसमें आती है सिलेक्शन कैसे होगा कि चपरासियों का चयन उम्मीदवारों द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर, यानी कि मेरिट के आधार पर की जाएगी। नो एंट्रेंस, नो फिजिकल, कुछ नहीं। उसके अलावा जो वेतन होगा आप देख सकते हैं 14,500 से लेकर 28,145 के आसपास होगा। उसके अलावा वेतन भत्ते उसमें इंक्लूड होंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप कैसे होगा, इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित 1 से लेकर 12 तक के दिए गए विवरणों के अनुसार अपना जो है इसमें डिटेल डाल सकता है, यानी कि फॉर्म मिल सकता है। फॉर्म कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो भरने की लास्ट डेट है 20 फरवरी 2021 तक, इसमें पूर्ण रूप से जो फॉर्म उसको भरा होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं आवेदन की अंतिम तिथि, अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पूर्णतः भरा हुआ वांछित प्रमाण पत्रों से दिनांक 20/2021 को इससे पूर्व मंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय काला डूंगी रोड ऊंचा पुल हल्द्वानी के केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भर भेज सकते हैं। उसके अलावा इसमें अगर उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे या भेजेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो जाइए यार
इसको भरिए, और कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टा और ट्विटर पर टैग कर दो, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लाते रहते हैं। अब तो हमने एक रोजगार वीक शुरू कर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। उत्तराखंड यूके ट्रेंडिंग जॉब्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पे जाके आपको हफ्ते भर की सारी रोजगार की खबरें मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ लाइक आप कर देंगे वीडियो को, फैला भी देंगे और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।